हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर गिरीश मिश्रा जी एस अकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बातचीत करेंगे खिलजी वंश की। खिलजी वंश दिल्ली सल्तनत में फिर से एक बलबन के बाद जब उसके उत्तराधिकारी कमजोर पड़े और फिर से खून खराबे का दौर शुरू हुआ और बलबन के उत्तराधिकारियों को समाप्त करके खिलजियों ने तलवार के बल पर दिल्ली सल्तनत की सत्ता हासिल की। ये क्योंकि सत्ता तलवार के बल पर हासिल की गई थी, इसलिए इसको खिलजी क्रांति कहा जाता है। तो आज खिलजी वंश के इतिहास के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, जिसमें खासतौर पर अलाउद्दीन खिलजी और उसकी विस्तारवादी नीतियाँ, दक्षिण में कैसे उसने विस्तार किया, इस पर विशेष रूप से चर्चा करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज दिल्ली सल्तनत के तीसरे हिस्से में आज हम लोग चलेंगे। पहले दो हिस्सों में आपको दिल्ली सल्तनत की स्थापना और उसमें कैसे सुल्तान बने और सुल्तानों की क्या स्थिति थी उस पर डिस्कशन किया था और एक एक करके उनके बारे में डिटेल में चर्चा की थी। बताया था पहला सुल्तान था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद आराम शाह, आराम शाह के बाद फिर इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के बाद फिर उसका, हालांकि वो रज़िया को बनाना चाहता था लेकिन उसका जो बेटा था नसीरुद्दीन महमूद, सॉरी रुकनुद्दीन फिरोज शाह, वो बना। उसके बाद फिर रज़िया, रज़िया के बाद मुइजुद्दीन बहराम शाह, उसके बाद फिर अलाउद्दीन मसूद शाह, फिर नसीरुद्दीन महमूद। और नसीरुद्दीन महमूद के ही समय बलबन ने अपना प्रभाव बढ़ा लिया था और नसीरुद्दीन महमूद भले ही लंबे समय तक शासक रहा लेकिन शासनकाल पर बलबन का ही असर था और फिर बाद में उसको हटा के बलबन खुद सुल्तान बना। और बलबन जब सुल्तान बना तो उसने सुल्तान की जो डिग्निटी थी, उसकी प्रतिष्ठा थी, उसको प्रतिष्ठा को बिल्कुल बना के रखा, मेंटेन किया और सुल्तान को अपनी एक जिसको बोलते हैं राजत्व का जो सिद्धांत उसका था, किंगशिप थ्योरी थी, उसको उसने मजबूत किया ताकि लोग सुल्तान की रिस्पेक्ट करें, सुल्तान से डरे। तो उसी ने सुल्तान की प्रतिष्ठा, उसके रिपुटेशन को बिल्कुल बनाया और बहुत सख्ती से उसने शासन किया था। बताया था पूरी अपने शासनकाल के दौरान केवल एक ही बार दिल्ली से बाहर निकला और इतने भयानक तरीके से उसने खून खराबा मचाया कि दोबारा कोई विद्रोह वगैरह नहीं हुआ उसके समय में। तो उसके समय से सुल्तान की स्थिति थोड़ी सी अच्छी हुई, सुल्तान एक मजबूत पोजीशन में पहुंचा, एक डिग्निटी उसने सुल्तान को दी। लेकिन वही है हमारे इतिहास में, जैसे बताया कि हमारे इतिहास के जितने जो सख्त राजा होते थे उन सबके लड़के बड़े आवारा होते थे। तो उसी तरीके से बलबन के साथ भी हुआ कि बलबन जिसको सुल्तान बनाना चाहता था उसका बेटा शहजादा मोहम्मद वो मारा गया और जो दूसरा बेटा था बुगरा खां वो आराम पसंद था, अय्याश था, वो बंगाल चला गया, वो आया ही नहीं दिल्ली। तो उसने अपने पोते, उसके जो पोता था कैकुबाद, उसको बनाया गया। अब कैकुबाद जो बलबन के बहुत सख्त नियंत्रण में पला बड़ा था लेकिन जैसे ही बलबन मरा सारी ताकत उसके अंदर आ गई तो वो फिर अय्याशी में लग गया। तो उसके बाद दिल्ली सल्तनत बिल्कुल कम, सुल्तान की पोजीशन कमज़ोर होने लगी। तो उसी में खिलजी सरदार था जलालुद्दीन खिलजी, उसने क्या किया कि कैकुबाद को बाद में लकवा मर गया था, फिर जब कवियोंस मरा उसी को मार डाला गया, उसको जिंदा कंबल में लपेट के जमुना नदी में उसने बहा दिया और खुद सुल्तान बनता है जलालुद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन खिलजी का जो टाइम पीरियड था 1290 से 1296, और इसी जलालुद्दीन खिलजी ने एक नई डायनेस्टी बनाई जिसको खिलजी राजवंश कहा जाता है। इन खिलजियों का जो शासन था, जब खिलजी सुल्तान बने तो खिलजियों की सबसे बड़ी विशेषता थी कि इन्होंने तलवार के बल पर ताकत हासिल की थी, सत्ता हासिल की थी। तो और इन्होंने एक और सिस्टम बनाया कि पहले जो सुल्तान थे वो उलेमाओं के बहुत ज़्यादा असर में हुआ करते थे। खिलजियों ने इस चीज़ को बिल्कुल डिनाई किया। खिलजी उलेमा वर्ग के असर से बिल्कुल अलग थे, वो उलेमाओं का, जो मुल्लों का था, उतना ध्यान नहीं देते थे। इसलिए खिलजी जब सत्ता पर आते हैं तो इसी को खिलजी क्रांति भी कहा जाता है, खिलजी रिवोल्यूशन कहा जाता है। हालांकि जो जलालुद्दीन खिलजी था बूढ़ा था, बहुत उम्रदराज था और वो बलबन का, बलबन के समय का वो पुराना सरदार था, बड़ा रिस्पेक्ट करता था, इसलिए इसका जो राज्याभिषेक हुआ तो वो बलबन के महल में अपना राज्याभिषेक नहीं करता, वो किलोखरी के महल में उसने अपना राज्याभिषेक कराया क्योंकि वो बलबन के अभी भी, उसके मरने के बाद भी बलबन का बड़ा रिस्पेक्ट करता था। ठीक, और जो एक बड़ी उम्र, एक मेच्योर उम्र में वो सुल्तान बना था तो उसलिए बहुत मेजोरिटी थी उसके अंदर। वो कहता था कि मैं एक मुसलमान हूँ और मुसलमानों का रक्त बहाना मेरी आदत नहीं है। जो एक दो विद्रोह भी हुए कि एक मलिक छज्जू ने इसके समय एक विद्रोह किया था तो उसको उसने माफ़ कर दिया। हालांकि उदार होने के साथ साथ एक दो बड़ी घटनाएं भी उसके समय हुई जो उसके सख्त कदम को भी दिखाते हैं। जैसे उसी के समय एक सूफी संत थे सीदी मौला, एक ईरानी थे। तो सीदी मौला ने, जो ईरानी थे, क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी ने धर्म को बिल्कुल धर्म के आधार पर शासन करने से बिल्कुल मना कर दिया था, धर्म को शासन से बिल्कुल अलग कर दिया था, तो सीदी मौला ने उसके खिलाफ़ फतवा जारी किया था। तो इस बात से सीदी मौला से वो नाराज हुआ था और सीदी मौला को हाथी के पैर के तले उसने कुचलवा के उसकी हत्या करवा दी। उसको सीधे हाथी के पैर के नीचे डाला गया और हाथी ने उसको कुचल डाला। तो ये एक बस सख्त कदम था। इसी के समय एक मंगोल जो बहुत बड़ा योद्धा था, हलाकू, हलाकू के पोते ने दिल्ली पर हमला किया तो उसको जलालुद्दीन खिलजी ने उस हमले को नाकाम किया और बहुत सारे मंगोलों को पकड़ लिया गया और बहुत सारे मंगोलों को पकड़ के उनको ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया गया और मुसलमान बना के
इस्लाम स्वीकार कराया गया और इस्लाम स्वीकार करा के दिल्ली में बसा दिया गया। तो दिल्ली में एक कस्बा अभी भी है, मंगोलपुरी, आपने सुना होगा। तो जो मंगोलपुरी है वो इसी जलालुद्दीन खिलजी के समय बसा था, मंगोलों को उसने बसाया था, पकड़ के ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया गया था उन सबों को। तो हालांकि बाद में इन सबों ने, जो मंगोल थे जिनको ज़बरदस्ती मुसलमान बना दिया गया था, इन सबों ने बड़ा उत्पात भी मचाया था। तो सुल्तान ने उन सबों को दिल्ली में बसाया जरूर, लेकिन वो सब सुल्तान के लिए बाद में फिर बहुत नुकसानदेह साबित होते हैं। ठीक, चलिए। अब ये जो जलालुद्दीन खिलजी था, इसी का भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को ये बहुत मानता था और इतना ज़्यादा मानता था कि अपनी बेटी की शादी भी उसने कर दी थी। अलाउद्दीन खिलजी इसका भतीजा जरूर था, लेकिन ये अपने बेटे की तरह उसको मानता था, बेटे से भी ज़्यादा मानता था। अलाउद्दीन खिलजी को उसने कड़ा मानिकपुर का सूबेदार बनाया हुआ था, इकता दिया हुआ था। तो अलाउद्दीन खिलजी जो था वो थोड़ा साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का था, इंपीरियलिस्टिक नेचर का था। वो चाहता था, वो बड़े बड़े सपने देखता था। अलाउद्दीन को लगता था कि हम जो है कि सिकंदर बन जाए, वो खुद को सिकंदर की तरह देखना चाहता था। अलाउद्दीन खिलजी पैगंबर बनना चाहता था। तो बहुत बड़े बड़े सपने थे। अब उस बड़े बड़े सपनों को पूरा करने के लिए बहुत सारा संसाधन, बहुत सारे रिसोर्स होने चाहिए। तो वो चाहता था कि बहुत बड़ा सैनिक अभियान चलाया जाए, लेकिन उसका जो चाचा था जलालुद्दीन खिलजी अभी इस बात के लिए तैयार नहीं था। उसको लगता था कि नहीं, अभी बड़े सैनिक अभियान चलाना बुद्धिमानी नहीं है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि अपने चाचा की परमिशन के बिना ही वो क्या किया कि अपनी सैनिक ताकत टुकड़ी इकट्ठा करता है और दक्षिण में देवगिरी के अभियान पर निकल पड़ता है। क्योंकि दक्षिण बहुत संबंध था उस समय, तो दक्षिण की जब देवगिरी के अभियान पर निकला तो वहाँ पर बहुत सारा धन दौलत, सोना चांदी, हीरा मोती, हाथी घोड़े खूब लूटा, और ये देवगिरी उसके लिए बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। तो जब अलाउद्दीन खिलजी को बहुत सारा रिसोर्स संसाधन मिला, तो इस बात की सूचना सुल्तान को दी गई और सुल्तान को बताया गया जलालुद्दीन खिलजी को भतीजा तुम्हारा विद्रोह कर दिया, इसको सबक नहीं सिखाया गया तो फिर बहुत महंगा पड़ जाएगा। तो फिर अलाउद्दीन जो चाचा थे जलालुद्दीन खिलजी, तो जलालुद्दीन खिलजी भी अपना सेना इकट्ठा करता है और अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ अभियान शुरू करता है। क्योंकि चाचा के पास बहुत ज़्यादा ताकत थी, अभी सुल्तान तो वही था फिलहाल। तो जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी ने सुना कि भाई चाचा हमारे खिलाफ सैनिक लेके आ रहे हैं मारने के लिए, तो अलाउद्दीन खिलजी फौरन अपना सामान वामान समेटता है, जितना लूट का माल रहता है, और लेके वापस चाचा से मिलने के लिए पहुंचता है कड़ा मानिकपुर जो है वहाँ पर गंगा नदी बहती है। तो गंगा नदी के आर पर दोनों की सेनाएँ रुकती हैं, एक तरफ अलाउद्दीन की सेना, दूसरी तरफ जलालुद्दीन की सेना। तो अलाउद्दीन ने पहले ही माफीनामा भिजवा दिया, होशियारी करता है, उसने अपने चाचा के पास माफीनामा भिजवाया कि भाई कहाँ आप हमें मारने के लिए चले आ रहे हैं, हम आपसे विद्रोह करके नहीं गए थे, हम तो आपकी ताकत बढ़ाने के लिए गए थे। ये जितना धन दौलत, सोना चांदी, हाथी घोड़ा सब, ये सब लूट पाट के लाए हैं, ये सब आप ही के लिए तो लाए हैं, ये सब आपको समर्पित है, ये सब आपके लिए है, ये आपके सरदारों ने हमें आपको हमारे खिलाफ भड़का दिया है। कहाँ हम आपके प्यारे भतीजे, आप हमारे प्यारे चाचा, अब हम ही को मारने चले आ रहे हैं। आपके दरबार में हमारे खिलाफ बहुत बड़ी साजिश चल रही है, हम आपके पास सरेंडर करना चाहते हैं। ठीक, और बहुत ही भावुक होकर उसने दोबारा चिट्ठी लिखी और संदेशा भिजवाया कि चाचा जी आप हमारे खेमे में आइए, हम अपनी सारी चीज़ें आपके चरणों में समर्पित करते हैं, हमारा सर आपके हाथ में होगा, आप हमें मारिए काटिए मंजूर, हम आपके खिलाफ कुछ नहीं करेंगे, आप हमारा जो करना चाहें कर दें, हम आपके हाथों मरना पसंद करेंगे लेकिन आपके सरदारों के हाथों नहीं मरेंगे, क्योंकि वो लोग बहुत साजिश कर रहे हैं, जैसे ही हम आपके खेमे में आएंगे सब हमको मार डालेंगे, क्योंकि आपके खेमे में हमें पता चला है कि बहुत सारी साजिश चल रही है हमारे खिलाफ। तो अलाउद्दीन खिलजी के भी आदमी थे सुल्तान के खेमे में। तो सुल्तान चिट्ठी पढ़ के बड़ा, संदेशा सुन के बड़ा इमोशनल हुआ कि हमारा प्यारा भतीजा है, ये सब जो है कि ज़बरदस्ती जो है कि उसको, उसके खिलाफ हमें भड़का रहे हैं। तो सुल्तान अपने बस दो तीन साथियों के साथ, दो तीन जो उसके बॉडीगार्ड थे उसके साथ, वो गंगा नदी पार करके अलाउद्दीन से मिलने के लिए वो निकला। तो जलालुद्दीन के जो चाचा था, जलालुद्दीन के सिपाहियों ने मना किया कि भाई मत जाइए, वो धोखेबाज आदमी, उसका कोई भरोसा नहीं। तो समझ गया कि इसे भड़का ही रहे हैं भतीजे के खिलाफ, तो बोला नहीं हम भतीजे से मिलेंगे। अब नदी पार करके अपने दो तीन साथियों के साथ जैसे ही वो अलाउद्दीन के खेमे के पास पहुंचा उसे मिलने के लिए, बर्नी बिल्कुल आंखों देखा वर्णन लिखता है कि जैसे जलालुद्दीन खिलजी अलाउद्दीन से मिलने के लिए पहुंचता है और अलाउद्दीन से गले लगता है, बिना कुछ कहे जैसे ही गले लगता है, जाओ गले लग के जैसे ही हटता है तैसे पीछे से उसके तलवार पर, अरे उसके गले पर तलवार से वार किया जाता है और उसको मार दिया जाता है। जलालुद्दीन का शरीर नीचे गिरता है, और अभी अलाउद्दीन को इतनी ज़्यादा जल्दी थी कि उसके चाचा के गले पर तलवार से वार किया गया, उसके चाचा के गले से खून बह रहा था और वो नीचे गिर के तड़प रहा था, और तुरंत उसने खुद को सुल्तान घोषित करने की जल्दबाजी में क्या किया कि ज़बरदस्ती सुल्तान की खोपड़ी से चंदोबा खींचा गया, जो टोपा वाले पहनते थे टोपा ज़बरदस्ती खींचा गया, टोपा नहीं निकल रहा था सुल्तान के खोपड़े में, फिर से खंजर भोंका गया और ज़बरदस्ती चंदोबा खींचा गया, और उस टोपे में सुल्तान का खून टपक ही रहा था, और उस टपकते हुए खून के साथ उस टोपे को अलाउद्दीन खिलजी ने पहना और खुद को सुल्तान घोषित किया।
और उसी के खोपड़े से उसके पुराने सुल्तान का खून टपक रहा था। और दहशत फैलाने के लिए इन सबों ने क्या किया कि फिर से सुल्तान का सर पकड़ा गया, उसकी खोपड़ी को, सर को धड़ से अलग किया गया और सुल्तान के सर को भाले की नोक पर धसाया इन सबों ने, और भाले की नोक पर धसा के सुल्तान के सर को सुल्तान की सेना के सामने ले जाके घुमा दिया गया। ये लो बेटा तुम्हारा सुल्तान ही रहा। सुल्तान वो नहीं कि जिसके सर जो है कि भाले की नोक पर है, सुल्तान वो है जिसके माथे पर टोपा है। तो अचानक से इस घटना से, इस इतनी भयंकर घटना से सुल्तान का जो खेमा था उसमें बिल्कुल दहशत फैल गई। अरे ये क्या हो गया, सिपाही सब सदमे में आ गए। जैसे गदर पिक्चर हम लोग देखते हैं ना कि सनी देओल सीधे हैंडपंप उठा के एक आदमी के, एक पाकिस्तानी के पेट में धंसा देता है, तुरंत सब दहशत में आ जाते हैं। तो वही यहाँ भी हुआ कि सुल्तान के सिपाही सारे दहशत में आ गए, सदमे में बिल्कुल आ गए, और बाकी उन्हें संभाला, अलाउद्दीन का साथ दिया और अलाउद्दीन खिलजी ने इसी धोखे के साथ खुद को सुल्तान डिक्लेयर किया और सारी सेना लेके वो फिर दिल्ली की तरफ बढ़ा। और दिल्ली जाते जाते रास्ते में उसने क्या किया कि जिस जिस सरदार ने अलाउद्दीन खिलजी का साथ दिया था अपने चाचा के खिलाफ, उन सबको रास्ते में वो कत्ल करवाता चला गया, एक एक को मरवाया उसने, किसी ने को नहीं छोड़ा कि बेटा आप पैसा लेके तुम हमारा साथ दे रहे हो हमारे चाचा के खिलाफ, कोई और पैसा देगे तो उसका साथ दोगे हमारे खिलाफ। तो जिस जिस ने अलाउद्दीन खिलजी का साथ दिया था सबकी हत्या उसने दिल्ली पहुँचने से पहले कर दी। तो इस तरीके से धोखा से बहुत ही भयानक खूंखार तरीके से सुल्तान बनता है अलाउद्दीन खिलजी और दिल्ली पहुंच के बलबन के महल में उसने खुद का राज्याभिषेक किया। तो अगला सुल्तान कौन बनता है, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक, इस अलाउद्दीन खिलजी का जो टाइम पीरियड था 1296 to 1360, 1296 से 1316 तक ये था। अब ये जो अलाउद्दीन खिलजी था धोखे से सुल्तान बन गया और बहुत ही खून खराबे के साथ। अब सुल्तान बनने के बाद जब बलबन के लाल महल में इसने अपना राज्याभिषेक कराया, जब थ्रोन सेरेमनी कराई, तब फिर उसने सैनिक अभियान अपने शुरू करने की योजनाएं बनाने लगा और अपने सपने को साकार करने की कोशिश करने लगा। ठीक, तो इसने बताया कि बहुत बड़े बड़े ये सपने देखता था। तो हालांकि इसका कोई दोस्त मित्र नहीं था, दिल्ली का जो कोतवाल उसी से इसकी थोड़ी बहुत दोस्ती थी। तो दिल्ली का जो कोतवाल था उसको बैठ के अपने दिल का हाल उसने बताया कि भाई बस दो ही सपने हैं अपने, एक तो पैगंबर बनना और दूसरा काम सिकंदर बनना। मतलब इतना छोटा ही सपना था, बस इतना सा ही खाब था उसका, एक पैगंबर बनने का और दूसरा सिकंदर बनने का। तो उसका दोस्त समझाया कि बेटा पैगंबर और सिकंदर दोनों एक ही हुए, दोबारा कोई हुआ नहीं, दोनों बनना तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं होगा और संभव भी नहीं है, एक आदमी इतनी बड़ी उपलब्धियाँ हासिल नहीं कर सकता। लेकिन वो नशे में था, मूड में था कि नहीं यार कुछ ना कुछ तो हमको बनना ही बनना है। तो उसका दोस्त भी डरता था, तो उसने कहा कि भाई देखो दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों अपने आप में बहुत अनोखी और केवल यूनिक चीज़ें हुई हैं, इनमें से कोई एक कहो तो प्रयास किया जा सकता है। तो उसने कहा बता दो फिर, एक का प्लान कैंसिल करते थे, एक ही चीज़ बनेंगे। तो बोला फिर क्या कैंसिल किया जाए। तो उसके दोस्त ने बताया कि जिस धोखे से अपने चाचा को तुम मार के आए हो, जो खून खराब आकर के आए हो, तो पैगंबर वाला हिसाब किताब तो भूल जाओ भाई, कोई धर्म के नाम पर तुमको मानने वाला नहीं। तो बोले ठीक है भाई पैगंबर कैंसिल, लेकिन सिकंदर तो बन के रहेंगे, यानी पैगंबर तो नहीं बन पाए, चलो धर्म हमारा उतना अच्छा नहीं, लेकिन सिकंदर तो बन के रहेंगे, दुनिया हमें सिकंदर के तरीके से जाने। तो फिर उसके दोस्त ने समझाया कि भाई सिकंदर बनने के लिए बहुत बड़ी सेना तैयार करनी पड़ेगी। उसने कहा सेना बना लेंगे। तो उसने कहा बहुत सारे सैनिक अभियान चलाने पड़ेंगे। तो कहा बना लेंगे, कर लेंगे सैनिक अभियान। बोला यार सैनिक अभियान चलाने से नहीं, उसको जीतना भी पड़ेगा, दुनिया भर को हराना भी पड़ेगा। सिकंदर के समय दुनिया बहुत छोटी थी, उनको पूरी दुनिया का अंदाजा नहीं था, अभी तो दुनिया बहुत बड़ी हो चुकी है। तो उसने कहा कुछ ऐसा प्लान बनाओ कि कुछ ऐसी बात बताओ कि भाई हमें सिकंदर के तरीके से लोग जाने। तो बोला पक्का मान बन के रहोगे सिकंदर, मानोगे नहीं। बोले बिल्कुल बन के रहेंगे चाहे कुछ हो जाए। तो उसके दोस्त ने एडवाइस की कि ऐसा करो, जीत हार तो बात की चीज़ें, पता नहीं जीतो या हारो कुछ भरोसा नहीं, ऐसा बस करो कि नाम पलट के सिकंदर कर लो। अब नाम पलट के सिकंदर करो, किसने देखा कौन सिकंदर है, तुम्ही को लोग सिकंदर के रूप में जानेंगे। तो उसको ये आइडिया बहुत पसंद आया। बोले यार आइडिया तो बहुत सही दिया। फौरन वो खड़ा होता है और खुद को क्या कहता है, सिकंदर ए सानी। तो सिकंदर की उपाधि धारण करने वाला सुल्तान कौन सा था, अलाउद्दीन खिलजी। कहेंगे किताबों में इसको सिकंदर द्वितीय भी कहा जा गया है या सिकंदर ए सानी भी कहा गया है। सिकंदर बनना चाहता था, अभियान तो नहीं चला, बोले नाम ही पलट लेते। तो अपने नाम के आगे उसने क्या जोड़ लिया, सिकंदर ए सानी। अब सिकंदर बनने के लिए बड़ी सेना चाहिए थी, बड़े सैनिक अभियान।
तो उस समय सेना के साथ बड़ी समस्या होती थी कि जो आर्मी मैन जो होते थे, जो सिपाही होते थे, सिपाही जो सेना में जो शामिल होते थे वो परमानेंट नहीं होते थे, यानी उनको सैलरी परमानेंट नहीं मिलती थी। उनको ये सुल्तान क्या करते थे कि पैसा तो था नहीं इन सबों के पास से सैलरी दें, क्योंकि थे तो ये सब लुटेरे, लूटमार करने आए थे। तो ये लोग क्या करते थे कि जब लूटपाट के जब जीत जाते थे तो अपने सिपाहियों को कैश में ये लोग पेमेंट नहीं करते थे। ये लोग क्या करते थे कि जो इस जमीन जी जो एरिया में लोग विजय हासिल किए हैं, जहाँ पर ये जीते हैं, तो उन ज़मीनों का छोटा छोटा टुकड़ा इन सिपाहियों को सैलरी के रूप में देते थे। तो ज़मीनें दे देते थे तो सिपाही क्या करते थे, खेती बाड़ी करते थे, उनका काम चल जाता था और फिर सेना में शामिल होते थे। तो जो खेती बाड़ी वाले सिपाही होते थे परमानेंट, इनके साथ हमेशा सेना में तो रह नहीं सकते थे, महीने भर खेती करेंगे तब तो फिर सेना में शामिल होंगे, तो 3 महीने खेती करते थे, 3 महीने सेना में शामिल होते थे। तो आर्मी इन लोगों की परमानेंट नहीं थी बिल्कुल, क्योंकि सैलरी ये लोग देते नहीं थे, लोग ज़मीन का टुकड़ा देते थे, तो सिपाही जो गुजर बसर करने के लिए खेती भी करनी पड़ती थी। तो अब इसको क्या था कि सिकंदर बनना था, तो उसके लिए बड़े बड़े सैनिक अभियान होने थे, बड़े सैनिक अभियानों के लिए एक स्थायी परमानेंट आर्मी होनी चाहिए, और ये खेती किसानी वाले नहीं कि 2 महीना खेती कर रहे 2 महीना सेना में शामिल हो रहे। तो वही उसने सिस्टम बदला और कहा कि अब सिपाहियों की ज़मीनों का टुकड़ा हम लोग नहीं देंगे, सिपाहियों को क्या देंगे, कैश पेमेंट करेंगे, नगद वेतन देंगे। तो अपने सिपाहियों को नगद में वेतन देना किसने शुरू किया था, अलाउद्दीन खिलजी, जो सैलरी बेस्ड आर्मी होती है, सबसे पहले इसे नए कॉन्सेप्ट शुरू किया था कि सिपाहियों की ज़मीनों को बताए क्या दे, नगद दिया, सैलरी देना शुरू किया, ताकि सिपाही परमानेंट उसके साथ सेना में रह सके। और सिपाहियों का जो हुलिया था वो रखवाना शुरू किया, घोड़ों पर दाग वगैरह की प्रथा इसने रखवानी शुरू कर दी। अब सेना तो रख दिया लंबी चौड़ी, उनको सैलरी भी देंगे, सैलरी होने देने के लिए पैसा भी तो होना चाहिए था, पैसा उतना था नहीं। तब उसने क्या किया कि उस पैसे का जुगाड़ बनाने के लिए, कि सिपाहियों को सैलरी देने के लिए, उसने एक नई पॉलिसी बनाई, मार्केट कंट्रोल पॉलिसी, जिसको कहा जाता है बाजार नियंत्रण। तो ये जो बाजार नियंत्रण है, मार्केट कंट्रोल है, ये किसने बनाया था, ये पॉलिसी किसकी थी, अलाउद्दीन खिलजी की थी। अब ये बाजार नियंत्रण था क्या, क्यों था, इसको पहले समझेंगे कि इस मार्केट कंट्रोल में अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि दिल्ली का जितना मार्केट था सारे बाजारों पर इसने नियंत्रण स्थापित किया, सारे बाजारों को अलग अलग कैटेगराइज कराया। अलग अलग कैटेगराइज करने का मतलब है कि जो अनाज का बाजार है उसको अलग किया, कपड़े का बाजार अलग किया, जानवरों का बाजार अलग, घी गुड़ जो है उस सबके दाम उसने फिक्स किए, और बाजारों को अलग अलग कैटेगराइज करके शब्बर शहनाई मंडी नाम के उन्होंने अफसर बैठाए, ठीक, वो बाजार मार्केट सुपरिटेंडेंट होता था, और उसी शहनाई मंडी को सारे अधिकार दिए गए थे, और सारी चीज़ों के जो दाम होते थे वो बिल्कुल फिक्स कर दिए गए, और बिल्कुल मिनिमम पर, मिनिमम का मतलब मार्केट पूरा सरकार ने कंट्रोल कर लिया, और सारी चीज़ों के दाम बिल्कुल कम कर दिए गए, कि जितने में किसान गेहूं पैदा कर रहा है उससे बहुत थोड़े से अंतर के साथ उसको मार्केट में बेचना होगा, और सारी चीज़ों के दाम इन लोगों ने खुद फिक्स किए कि इतने टंका इतने जीतल की गाय मिलेगी, इतने का घोड़ा मिलेगा, इतने का गधा मिलेगा, इतने का भेड़ बकरी, इतने का चावल दाल घी गुड़ कपड़ा, सबके दाम बिल्कुल मिनिमम पर लिया करें, एकदम कम से कम मिनिमम पर फिक्स किए। और ये जो बाजार के जो बिचौलिए होते हैं, होलसेलर डिटेलर अड़ दिए, इन सबों को उसने बीच से हटा दिए, सीधे किसान से बाजार में मार्केट में सामान बिकेगा, बीच में कोई नहीं होगा, कोई लाभ नहीं कमाएगा, और दाम को बिल्कुल कम कर रखा जाएगा। और इसमें उसने क्या किया था कि मुनहियान नाम के जो गुप्तचर होते थे वो मार्केट में घुमाते रहता था, बरीदे मंडी होता था मार्केट इंस्पेक्टर टाइप से, वो मार्केट में घूम घूम के देखता रहता था। उन बरीदों को और मुनहियानों को ये पावर दी गई थी कि जितना दाम तय किया गया था उतने पर ही व्यापारी को अपना सामान बेचना होता था। अगर कोई व्यापारी तय दाम से ज़्यादा पर सामान बेचते हुए पकड़ा जाता था तो तुरंत इन लोगों को अधिकार दिए गए कि तुरंत वरीद क्या करते थे कि उस व्यापारी के शरीर से उतना मांस का टुकड़ा तुरंत काट के नोच के अलग कर देते थे, कोई जितना फ़ायदा कमाए उतना शरीर से उसका मांस का टुकड़ा नोच के लिया जाता था, ताकि कोई व्यापारी तय दाम से ज़्यादा पर सामान न बेच पाए, ठीक। और इसके लिए उसने बड़ाई कड़ाई की, अलग से उसने सोचिए बाजार के नियंत्रण के लिए अलग से अफसरों की भर्ती की, जिसको कहा जाता है दीवाने रियासत। तो जो दीवाने रियासत था, दीवान ए रियासत, तो ये जो दीवाने रियासत होता था ये क्या होता था, जो मार्केट कंट्रोलर होता था, बाजार का नियंत्रक होता था, ठीक। शहनाई मंडी क्या होता था, शहना ए मंडी, तो जो शहनाई मंडी होता था,
ठीक, ये मार्केट इंस्पेक्टर के तरीके से और मार्केट सुपरिटेंडेंट के तरीके से काम करता था, जिसको बाजार अधीक्षक कहा जाता था। इसके अलावा बरीद मंडी होता था, ठीक है। तो जो बरीद होते थे वो दरोगा टाइप से होते थे, बाजार के निरीक्षक होते थे, वो इंस्पेक्टर टाइप से होते थे। इसके अलावा मुनैयान होते थे, तो जो मुनैयान होते थे वो गुप्तचर होते थे, स्पाई होते थे मुनैयान, ठीक है। ये मनहयान क्या होते थे, गुप्तचर स्पाई होते थे। ये सब क्या करते थे कि बस घूम घूम के देखते रहते, कहीं कोई जो व्यापारी है तय दाम से ज़्यादा पर तो नहीं बेच रहा था, ठीक। और फिर इन सारे जो ये सब जो इसके ऑफिसर थे, ये सब किससे जुड़े हुए थे, चाहे बरीद हो, चाहे दीवान हो, चाहे सहनाई मंडी हो, दीवानी रियासत, ये सब बाजार नियंत्रण के इसके क्या थे, अफसर थे, अधिकारी थे, जो बाजार नियंत्रण में इसकी सहायता करते थे। तो इन चीज़ों से क्या हुआ कि दिल्ली में जितनी भी चीज़ें थी सबके दाम बिल्कुल कम हो गए। जब सबके दाम बिल्कुल कम हो गए तो इसको ये फ़ायदा हुआ अलाउद्दीन खिलजी को कि ये अपने सिपाहियों को बहुत थोड़ी सी तनख्वाह देता था, बहुत थोड़ी सी सैलरी देता था, और थोड़े से वेतन में इसके जो सिपाही होते थे वो महीने भर का सामान, दाल रोटी जो भी होता था, घी गुड़ घोड़ा सब अपना खरीद लेते थे। तो कम पैसे में बड़ी सेना, तो कम पैसे में बड़ी सेना रखने के लिए कौन सी पॉलिसी थी, बाजार नियंत्रण, जिसको मार्केट कंट्रोल पॉलिसी कहते हैं। और ये किसने लागू की, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो बहुत थोड़े में बड़ी व्यवस्था करने की उसने कोशिश की और कड़ाई से लागू किया, ठीक, और सारी चीज़ों को अपने कंट्रोल में उसने रखा। लेकिन वही है कि ये सारा कंट्रोल केवल दिल्ली तक ही लिमिटेड था, दिल्ली तक ही सीमित था। जब तक ये जिंदा रहा तब तक सारा कंट्रोल था, इसके मरते ही सारा कंट्रोल खत्म हो गया, ठीक। इस अलाउद्दीन खिलजी की एक दो चीज़ें और हैं कि जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने जब बाजार नियंत्रण के बाद जब पैसे कम पैसे में बड़ी सेना रखने की इसकी सुविधा मिली, तो इसने बहुत सारे बड़े बड़े सैनिक अभियान चलाए, उत्तर भारत के सैनिक अभियान चलाए, जिसमें रणथंभौर का अभियान था, गुजरात का अभियान था, चित्तौड़ का अभियान, चित्तौड़ बड़ा पॉपुलर है। 1303 में इसने चित्तौड़ पर हमला किया, हालांकि खुद नहीं गया था, ये चित्तौड़ पर हमला करने के लिए इसने अपने बेटे को भेजा था, खिज्र खां को, ठीक है। तो खिज्र खां को इसने चित्तौड़ पर हमले के लिए भेजा था, तो खिज्र खां ने चित्तौड़ की विजय की, और उस समय चित्तौड़ के शासक थे राजा रतन सिंह, राणा रतन सिंह चित्तौड़ के थे राजा, ठीक। तो इसको इसकी विजय करता है खिज्र खां, और फिर इसकी विजय के बाद चित्तौड़ का जो नाम था वो खिजराबाद रखा गया था, ठीक। तो ये जो चित्तौड़ है, इसी चित्तौड़ विजय से कहानी आपने सुनी होगी पद्मावत, पिछले साल पद्मावती जो पिक्चर एक रिलीज हुई थी उससे बड़ा बवाल हुआ था। तो पद्मावत की जो नायिका है, ठीक है, अरे जो रानी पद्मिनी जो नायिका मानी जाती है, वो इन्हीं राणा रतन सिंह की पत्नी मानी जाती है। हालांकि इस समय के इतिहास में उस समय तक पद्मावत अभी नहीं लिखी गई थी। पद्मावत जो साहित्य है वो बहुत बाद में लिखी गई, वो एक काल्पनिक कथा है, उसमें बस चित्तौड़ का उल्लेख आ भर गया है, ठीक है। पद्मावत 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी थी, यहाँ जौनपुर के रहने वाले थे मलिक मोहम्मद जायसी, तो उन्होंने पद्मावत लिखी थी और अवधी भाषा में लिखी गई थी ये किताब। और उस समय जो शासन था, उस समय अफगानों का शासन था, उस समय शेर शाह सूरी शासन कर रहा था, ठीक है। तो बाद में कहानियों में इसको अलाउद्दीन खिलजी से जोड़ दिया गया, लेकिन वो बहुत हकीकत कहानी नहीं है पद्मावत की, तो वो इसी से जुड़ी हुई, ठीक। तो खिज्र खां को भेजा था अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी को जो पैसा मिला सबसे ज़्यादा, वो मिला इसको दक्षिण के अभियानों से। दक्षिण क्योंकि बहुत समृद्ध था, दक्षिण के इसने कई सारे अभियान किए, और इसने जो सबसे पहला अभियान था, जब इसके चाचा का शासन था, तो देवगिरी गया था। तो देवगिरी में उस समय यादव वंश का शासन था, तो यादवों को उसने पराजित किया और वहीं से उसको पैसा मिला। फिर अगला अभियान जो दक्षिण का था, अलाउद्दीन खिलजी का जो साउथ का इसका अभियान था, वो भी फिर से देवगिरी का था। लेकिन ध्यान रखेंगे कि दक्षिण के जितने भी अभियान थे उसमें अलाउद्दीन खिलजी केवल एक जगह गया था, कहाँ पर, देवगिरी। इसके बाद के इसके जितने भी अभियान थे सब जगह इसने मलिक काफूर को भेजा था, मलिक काफूर, ठीक है। तो मलिक काफूर हर जगह नहीं गया था, अरे मलिक काफूर हर जगह गया था, अलाउद्दीन खिलजी केवल एक जगह गया था। तो इसके दक्षिण अभियानों की जो सफलता थी वो किसकी वजह से थी, मलिक काफूर की वजह से थी।
तो इसी मलिक काफू ने देवगिरी का अभियान किया जहाँ पर यादव वंश था। फिर 1300 में इसने वारंगल के काकती वंश का काकतियों पर हमला किया। फिर 1310 में द्वार समुद्र है जहाँ पर होयसलों का शासन था। फिर 1311 में पांड्य राज्य तक ये लोग पहुँचे जहाँ पर पांड्यों का शासन था। मतलब ये पांड्य समझ लीजिए कि भारत के अंतिम सीमा थी, बिल्कुल समंदर तक, ठीक। फिर 1313 में दोबारा देवगिरी पर इसको अभियान करना पड़ा था। तो ये जो दक्षिण के अभियान थे अलाउद्दीन खिलजी के, इस दक्षिण के अभियानों में अलाउद्दीन खिलजी की जो सफलता थी वो किसकी वजह से थी? मलिक काफूर की वजह से थी। ध्यान रखेंगे, अलाउद्दीन के सुल्तान बनने से पहले ही जब जलालुद्दीन खिलजी का शासन था तभी वो गया था, खुद वो दोबारा नहीं गया, ठीक। और यहीं पर धन दौलत जो था सबसे ज़्यादा मिला, यहीं पर जो वारंगल था जो 1309 में था, तो वारंगल में जो उस समय काकती वंश का शासन था, तो काकती वंश का जो शासन था वारंगल का, तो उसी में मलिक काफूर जब वहाँ के राजा को हराता है, तो वहाँ के राजा को जब पराजित किया तो राजा तो पराजित हो गया, उसके बाद फिर उसको कहा गया कि तुमको दिल्ली लेके चलेंगे। तो राजा जो थे उस समय प्रताप रुद्र देव खुद तो नहीं आए, उन्होंने क्या किया कि अपने एक सोने की मूर्ति बनवाई और उस सोने की मूर्ति में एक सोने का हार टंगवाया और उसमें एक हीरा जड़वाया, जो हीरा था कोहिनूर हीरा था, ठीक है। तो ये जो कोहिनूर हीरा हमें निकला हुआ दिखाई देता है, ये 1309 में वारंगल के काकती वंश के राजा थे प्रताप रुद्र देव। वहीं से कोहिनूर का इतिहास शुरू होता है। उन्होंने इस कोहिनूर का हीरा मलिक काफूर को सौंपा और मलिक काफूर ने अपनी मूर्ति में वो बनवा के उन्होंने दिया था खुद की बजाय, और बोला कि भाई आपको इतनी कीमती चीज़ दे रहे हैं जो हमसे भी ज़्यादा कीमती होगी। तो मलिक काफूर वही कोहिनूर हीरा ले आके किसको देता है? अलाउद्दीन खिलजी को। तो यहीं 1309 से हमारे इतिहास में कोहिनूर की जो शुरुआत होती है, कोहिनूर हीरे की जो कहानी है वो शुरू हो जाती है। तो जो कोहिनूर डायमंड हम लोग देखते हैं बाद के समय में इतिहास में, आधुनिक काल तक कोहिनूर का नाम आता है। तो ध्यान रखें, कोहिनूर बहुत बड़ा हीरा नहीं है या दुनिया का सबसे खूबसूरत हीरा, ऐसा कुछ नहीं। उससे बड़े बड़े हीरे हैं, कैलन दुनिया का सबसे बड़ा हीरा है, इससे बड़े बड़े हीरों की खोज हो चुकी है। तो जो कोहिनूर पॉपुलर इसलिए है कि इसके साथ कहानियाँ बहुत हैं, बहुत सारे राजाओं बहुत सारे राजवंशों के पास से गुजरा है। आप सोचिए यहाँ से इसकी कहानी शुरू होती है जो आज तक चलती है, महाराणा रणजीत सिंह और दिलीप सिंह तक और महारानी विक्टोरिया तक ये जाती है, ठीक। तो कोहिनूर की जो कहानी है वो यहीं से शुरू होती है। खैर, दक्षिण का अभियान समझ लीजिए कि इन दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के लिए सबसे समझ लीजिए कि महत्वपूर्ण साबित होता है धन दौलत के लिहाज से। इसी के बाद से अब जो ये सुल्तान थे जो दिल्ली सल्तनत वाले, इनके पास खजाना बनना शुरू हुआ, नहीं तो पैसा वैसा बहुत कम होता था इन लोगों के पास। तो ये दक्षिण से जो उन्होंने लूटा तो बहुत ज़्यादा मिला, ठीक। और दक्षिण अभियान का सारा श्रेय किसको जाता है? मलिक काफूर को जाता है। अलाउद्दीन खिलजी की एक बहुत बड़ी विशेषता थी, इसको कहा जाता है कि ये सेनापतियों का सेनापति थे। सेनापतियों का सेनापति होने का मतलब है कि इसकी नज़र बड़ी पारखी थी, ये बहुत सही लोगों का चुनाव करता था, ठीक है। तो इसने अपने ऐसे ऐसे सेनापति चुने, जैसे मलिक काफूर था, नुसरत खां था, उलूक खां था, सबसे बहादुरी सबों में जफर खां था, ठीक है। जफर खां सबसे बड़ा योद्धा था और इन सब में तेज तर्रार था। जफर खां को इतनी ज़्यादा ताकत, मतलब इतना ज़्यादा वो पॉपुलर था, इतना बड़ा योद्धा था कि अलाउद्दीन खिलजी खुद उससे जलने लगा था। जफर खां से लोकप्रियता से अलाउद्दीन खिलजी को भी जलन हो गई थी। तो एक बार क्या हुआ कि मंगोलों ने हमला किया, तो मंगोलों से निपटने के लिए ये लोग गए थे लड़ाई लड़ने के लिए। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि जफर खां को आगे भेजा कि तुम आगे जाके लड़ो, अगर समस्या होगी तो हम लोग पीछे से आगे मदद करेंगे, तुम्हारी मदद के लिए हम लोग पीछे से आ रहे हैं। तो जफर खां अलाउद्दीन खिलजी के चढ़ावे पर आगे मंगोलों से भिड़ने के लिए आगे चला गया। आगे 2-3 हज़ार मंगोलों ने जफर खां को घेर लिया और जब मदद के लिए अलाउद्दीन खिलजी के पास की तरफ इशारा करता है कि मदद करो, अलाउद्दीन खिलजी ने उसको मदद भेजी ही नहीं, उन्हें खुद गया और उसको मरता हुआ बड़े आराम से उसने देखा और साजिशन उसको मरवा दिया अपने दुश्मनों से। तो इतना ये था कि अगर किसी की ताकत को बढ़ता हुआ देखता था तो उसको ख़त्म करने से भी नहीं चूकता था। कि जफर खां को देखा ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है तो उसने साजिशन उसकी हत्या करवा दी। मतलब मंगोलों से भिड़ा हुआ था, बोला कि जाओ बेटा हम आ रहे हैं पीछे से, पीछे सहायता भेजी नहीं और मर गया। तो बड़े बड़े सेनापतियों को अपने साथ रखता था, ये मलिक काफूर भी था। इसको एक्चुअली ये अलाउद्दीन खिलजी ने इसको नहीं खोजा था, इसको जब गुजरात अभियान पर नुसरत खां को भेजा गया था तो नुसरत खां ने मलिक काफूर को 1000 दिनारों में खरीदा था, तो इसीलिए इसको 1000 दिनारी भी कहते हैं।
तो हज़ार दिनारे किसको बोलते हैं? मलिक काफूर को कहा जाता है। बाद में यही आपको बताया कि सारे दक्षिण अभियान देखता है, बाद में यही अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर हावी हो जाता है। हालांकि ये था हिजड़ा, लेकिन ये फिर बाद में शासन पर हावी हो जाता है। और अलाउद्दीन क्योंकि बहुत शराब वराब पीता था तो बाद में उसकी हालत ठीक नहीं थी, बिस्तर पर पड़ा हुआ था, तो फिर सारा शासन प्रशासन ही मलिक काफूर अपने हाथ में ले लेता है। और बाद में मलिक काफूर ने इसको परेशान भी किया था काफ़ी, और अपनी वाइफ से भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था अलाउद्दीन खिलजी। खैर, वो अलग मुद्दे हैं। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी के समय की एक दो चीज़ें और महत्वपूर्ण हैं। इसने अपने राजस्व को, अपने रेवेन्यू को भी बढ़ाने का काम किया, और सल्तनत की ज़्यादातर भूमि को खालसा भूमि में बदल दिया। तो जो खालसा भूमि होती थी, खालसा का मतलब होता है कि जैसे बताया गया लोग सैलरी के रूप में ज़मीनों का टुकड़ा अपने सरदारों को देते थे एकता के रूप में, खालसा वो ज़मीन होती थी, ज़मीन का कैटेगरी होता था जो सुल्तान सीधे अपने कंट्रोल में लगता था। यानी खालसा ज़मीन से जो भी रेवेन्यू, जो भी राजस्व आता था, सीधे वो किसके हिस्से जाता था? सुल्तान के पास जाता था। तो इसने क्या किया कि अपने सरदारों की ताकत को कम करने के लिए सल्तनत के ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीनों को इसने किस में कन्वर्ट कर दिया? खालसा में, ताकि सुल्तान के पास पैसा ज़्यादा आए और जो इसके सरदार हों उसके पास पैसा कम हो, ठीक है। और रेवेन्यू को तो उसी लिए खालसा भूमि को उसने कन्वर्ट किया, और रेवेन्यू को भी उसने रेगुलेट करने की कोशिश की, और एक विभाग बनवाया था, दीवान ए मुस्तखराज। तो ये जो दीवान ए मुस्तखराज विभाग था, ये कैसा विभाग था? रेवेन्यू के लिए था, राजस्व को कलेक्ट करने वाला विभाग था। तो ये इसने बनाया था दीवाने मुस्तखराज, और आर्थिक मामलों की देखरेख के लिए दीवाने रियासत, ठीक, दीवान ए रियासत। तो ये दीवाने रियासत किसका? फाइनेंस मिनिस्ट्री टाइप से थी, वित्त मंत्रालय था जो आर्थिक मामलों की देखरेख के लिए बनवाया था। दीवाने मुस्तखराज क्या था? राजस्व वसूली के लिए, रेवेन्यू के लिए ये इसने बनवाया था। कुछ प्रशासनिक सुधार भी इसने किए थे, और इसने क्या किया था कि अपने आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए जो खालसा भूमि होती थी इस पर टैक्स का रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ा था। सोचिए इसके समय का टैक्स जो था वो जनता से जो वसूला जाता था 50% तक इसने वसूल लिया था टैक्स, 1/2 सीधे। यानी जितने खेत अनाज हो रहा है, अगर 100 किलो अनाज हुआ तो 50 किलो से सीधे सुल्तान का हो जाता था, और 50 किलो ही किसान का बचता था। तो इसने जनता से जो राजस्व है वो पूरे सल्तनत के इतिहास में सबसे ज़्यादा इसी ने वसूली की थी, ठीक, और बहुत कड़ाई से ये वसूली करता था, उसमें वो कोई मुरव्वत नहीं करता था, क्लियर। चलिए खैर, और भी इसके साथ ये था कि बाकी जो उलेमा वर्ग था, जो बाकी सरदारों का वर्ग था, उस पर उसने पूरी तरीके से कंट्रोल किया हुआ था अलाउद्दीन खिलजी ने। और जो उनकी ताकत को कम करने के लिए उन पर काफ़ी सारे कर का भार बढ़ा दिया गया था, और उनकी पार्टी शार्टी पर रोक लगा दी गई थी, और रेवेन्यू सारा अपने हाथ में उसने ले लिया था। एक काम और किया था कि शराबबंदी इसने कर दी थी, यानी अपने एरिया में, अपने राज्य में इसने शराब की खरीद बिक्री, लोगों के शराब पीने पर रोक लगा दी थी। तो शराबबंदी करने वाला जो पहला सुल्तान हमारे भारत का था वो अलाउद्दीन खिलजी था। खैर, तो बहुत सारे इसके काम रहे, बहुत सख्ती से उसने शासन किया, और बताया कि हमारे जितने भी सख्त राजा होते थे, कड़े राजा होते थे, उन सबके लड़के उतने आवारा होते थे। लेकिन जब अलाउद्दीन खिलजी मरा तो इसका लड़का एक्चुअली आवारा नहीं था, इसका जो लड़का था उसको आप आवारा की श्रेणी में नहीं, उसको आप कह सकते हैं परम आवारा था, मतलब आवारों में भी सबसे हाइट। तो सबसे बड़ा आवारा अगर किसी का लड़का था तो वो इसका बेटा था, उसका नाम था मुबारक खिलजी। अब ये जो मुबारक खिलजी था, इसका जो टाइम पीरियड है 1316 से 1320 तक था। मुबारक खिलजी क्योंकि इसके मरने के बाद ही बना, आवारागर्दी करना शुरू किया, अय्याश एक नंबर का था, नाचना गाना नाच यही सब उसको पसंद था, शराब पार्टी शार्टी यही सब अय्याशी करता था। तो पूरा शासन प्रशासन बिल्कुल छिन्न भिन्न हो गया था। कहा जाता है कि अपने दरबार में नंगे होकर दौड़ा करता था, नंगे लोगों की इसको संगत पसंद हुआ कर, संगत इसको अच्छी लगती थी, मतलब अय्याशी का हद था मतलब। और हालांकि इसने एक हिम्मत का भी काम किया था, जितना हिम्मती ये अय्याश शासक था उतना हिम्मती शासक भारत में कोई हुआ नहीं। क्योंकि जैसे आपको बताया था कि जब ये लोग सुल्तान बनते थे तो सुल्तान बनते समय परमिशन ये लोग किससे लेते थे? खलीफा से, क्योंकि थे तो ये सब लुटेरे, तो खलीफा ही इनको खिलवत देता था। तो जब तक खलीफा, हालांकि ये लोग सुल्तान बनने के बाद ही खलीफा से परमिशन लेते थे, तब सुल्तान ही माने जाते थे,
लेकिन एक फॉर्मेलिटी होती थी, लेकिन वो ज़रूरी होता था। खलीफा अपना छत्र वगैरह दे देता था कि हाँ आप सुल्तान बन गए, तो इन लोगों को कुछ सुल्तान बनने के बाद कुछ गिफ्ट उपहार और कुछ पैसा और कुछ दास वगैरह भेजने होते थे, तो वहाँ से खिलवत आती थी। लेकिन जब तक खिलवत आ नहीं जाती थी तब तक ये सुल्तान वैध नहीं माने जाते थे। तो जब मुबारक खिलजी गद्दी पर बैठा तो इसको भी कहा गया कि भाई आप सुल्तान तभी माने जाएंगे जब आपको खलीफा खिलवत दे देगा। तो पूछा इसने भाई कौन खलीफा, तो बताया गया कि खलीफा पूरे मुस्लिम साम्राज्य का, पूरी दुनिया में जहाँ भी मुसलमानी राज्य है उसका धरती पर प्रमुख खलीफा होता है। तो बोला इतना बड़ा होता है खलीफा? कहा गया हाँ सबसे बड़ा खलीफा होता है, बिना खलीफा की परमिशन के कोई भी व्यक्ति सुल्तान नहीं बन सकता। उसने कहा ये खलीफा की ताकत होती? तो बताया गया हाँ बिल्कुल यही खलीफा की ताकत हो। तो उसने अच्छा कहा कोई बात नहीं, आज से हम ही खलीफा हैं, हम ही सबसे बड़े खलीफा हैं, जाके उस खलीफे को बोल दो कि उसको खलीफा उलीफा बनना तो आके हमसे परमिशन लेगा, हम किसी खलीफे को नहीं मानते। खलीफा खलीफा की ताकत को ख़त्म ही कर दिया इसने, मतलब मान्यता ही ख़त्म कर दी। कौन खलीफा? हम खलीफा हैं, बताओ उसको बनना होगा खलीफा तो आके हमसे पूछेगा, हम किसी खलीफा को नहीं मानते। तो खुद को ही खलीफा डिक्लेयर करने वाला सुल्तान कौन था? मुबारक खिलजी। इकलौता यही रहा ही, इवन इसका बाप अलाउद्दीन खिलजी जो था वो बहुत बहादुर योद्धा था, लेकिन उसने भी खलीफा से खिलवत ली थी। इतना था, खलीफा से खिलवत सारे लेते थे, लेकिन इस आवारा लड़के ने खलीफा से खिलवत लेने से मना कर दिया और उससे बड़ी बात खुद ही खलीफा हो गया। ठीक, खैर, तो जब लड़के आवारागर्दी करते हैं तो वंश समाप्त होने लगता है। तो उस समय फिर जो उस समय एक भारतीय मुसलमानों का एक नेता था खुसरव शाह, वो इंडियन था, बाद में उसने इस्लाम स्वीकार कर लिया था। तो खुसरव शाह ने साजिश की और इसके दरबार के, क्योंकि उल्टी सीधी हरकतें करता रहता दरबार में, तो जब शराब के नशे में बिल्कुल नाच गाना है देख रहा था, ये सब दौड़ाए इसको, बाल पकड़ के इसको खींचा गया, 20 दरबार में इसका गला काट के इसकी हत्या कर दी गई। और खुसरव शाह कुछ समय तक सत्ता हासिल करता है, लेकिन फिर बाद में इन तुर्कों ने, तुर्की जो सरदार थे वो लोग हावी हुए, उन्हीं में एक बड़ा सरदार था तुगलक जो था, उसने उस जो खुसरो था, खुसरो था की हत्या कर दी और खुद गियासुद्दीन तुगलक जो था वो सुल्तान बना और खिलजी वंश समाप्त हो गया। ठीक, चलिए, तो ये थे खिलजी। खिलजी के बाद अगला जो राजवंश आएगा वो तुगलकों का आएगा। तुगलकों के बारे में अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। अभी थोड़ा खून खराब है, एक दिन और चलेगा, इसके बाद मामला थोड़ा शांत हो जाएगा। तो सल्तनत का टाइम था ही इसी तरीके से। ठीक, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।